वालेकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन, और आप सबको जुमा मुबारक हो। और चूंकि दिन का आगाज मैंने वाइट कपड़ों के साथ किया, मतलब मैं जब भी अपनी वार्डरोब सेलेक्ट करती हूँ पूरे वीक के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक जो है ना वाइट ड्रेस उसमें लाजमी होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को वाइट पहनने से अच्छा लगता है, मतलब अच्छी आदत है। आप में से बहुत सारे लोग एहतमाम करते हैं, और मेरे ख्याल है फ्राइडे वाले दिन तो मर्द हजरात सारे ही आपको शलवार कमीज़ में नजर आते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक है जनाब, आगाज़ करेंगे रिसर्च के साथ, और आपको बताएंगे फिनलैंड की एक फनकारा के हवाले से कि बहुत सारे लोग जो है वो कशीदाकारी, जिसको आप क्रोएशिया भी कहते हैं आम जुबान में, उससे बहुत इंजॉय भी करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। और मुझे याद है कि क्रोएशिया करना, जब मैं अपनी नानी को देखती थी कि वो स्वेटर बुन रही हैं या क्रोएशिया का कोई चीज़ बना रही है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ हुआ करती थी। लेकिन जनाब, हम तो कपड़ों पे करते हैं, आपने कभी सोचा है कि आपके साथ बैठा हुआ शख्स है, आप उसके क्रोशिया से एक पूरा स्ट्रक्चर बना दें, आप उसकी एक कॉपी बना दें? तो ऐसा करती हैं जनाब फिनलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून, जो क्रोशिया से नित नए अंदाज के गैर रवायती फन पारे बनाने का जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक भी है। और ये जो है क्रोशिया से हकीकी जिसामत के इंसान और जानवर बनाती हैं जनाब, और इन्हें क्रोशिया से अपने गाँव के लोगों की हमशक्ल बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। अपनी टी वी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तो ओरिजिनल है और एक क्रोशिया से बने हुए हैं, तो ये कितने मज़ेदार चीज़ है। अच्छा जनाब, इनके बनाए हुए फन पारे जो हैं और हकीकी इंसान में बहुत ज़्यादा मुशाबत होती है। 10 साल की उम्र में जनाब उन्होंने क्रोशिया से कशीदाकारी का काम शुरू किया, और वो स्कूल ही में थी जब उन्होंने इस आर्ट से फन पारे बनाना शुरू कर दिया। और लीजा ने जो पहला फन पारा है अपनी टीचर का बनाया, वो इतना अच्छा बना कि उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो गाँव के सब लोगों के फन पारे बनाया करेंगी। और जो हकीकी जिसामत का मुजस्मा बनाने से पहले वो लोगों से मिलती हैं और फैसला ये करती हैं कि किस पोज में, जैसे आप जो कह लें वैक्स स्टैचूज देखते हैं ना, उस तरह ये क्रोशिया से बनाती हैं। और जिनका फन पारा होता है जनाब, उनकी हर जाविये से वो पिक्चर, हर एंगल से वो पिक्चर कैप्चर करती हैं, और उसके बाद उसकी मेजरमेंट्स लेने के बाद वो इस पर काम शुरू कर देती है। कुछ महीनों के बाद वो शख्स का, अपने मॉडल का जो फन पारा है उसको पेश करती हैं, और देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अच्छा जनाब, और ये ज़्यादातर काम जो है फोटोग्राफ्स की मदद से करती हैं, लेकिन जब हाथ और चेहरा बनाने की बारी आती है तो वो अपने मॉडल से मिलती हैं, और उसके हाथ और चेहरे के खदोखाल का जो तफसीली जायज़ा भी लेती हैं। अच्छा जनाब, ये अपने फनपारों में मॉडल की छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो भी शामिल करती हैं, जिसका अंदाज़ा आप अपनी टी वी स्क्रीन से ही कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ हर उसके फीचर को इन्हांस करके, और वो कहते हैं ना आर्ट में बहुत बारीकबीनी का भी काम करना एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। जनाब ये कितनी ज़बरदस्त सी एक जो कह लें इनके पास टैलेंट है, जो ये दुनिया को दिखा रही हैं, और बहुत मुनफरद अंदाज में वैक्स स्टैचू स्केचिंग, ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि क्रोशिया से, मतलब थ्रेड्स की मदद से ये सारा कुछ ये बनाती हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा टैलेंट है। जनाब ये तो थी हमारी पहली रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से ये खातून जो हैं काम कर रही हैं, क्रोशिया की मदद से फनकारे बना रही हैं। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बॉक्सर से कराने वाले हैं जो एक हाथ से बॉक्सिंग करते हैं जनाब, और ये दुनिया के वाहिद प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जो अपने एक हाथ से फाइट्स भी लड़ते हैं और प्रोफेशनल मुकाबलों में हिस्सा भी लेते हैं। जनाब जब ये बॉक्सर जो है पैदा हुए, तो इनके एक हाथ में कैंसर जो है उसका कुछ सिस्ट डायग्नोज की गई, और उसके बाद डॉक्टर्स ने इनकी जान बचाने के लिए और कैंसर को मजीद ना फैले, इस वजह से इनका एक बाजू जो है वो एक स्पेसिफिक जगह से काट दिया, उसको काट दिया गया, और सिर्फ 3 माह की उम्र में उनका बाजू जो है वो अपने बाजू से महरूम हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपना होश संभाला तो डेफिनेटली एक हाथ था, जिसकी वजह से बचपन में दीगर जो इनके साथी थे उनको बुली भी करते थे, इनका मजाक भी उड़ाते थे, और वह अपनी माजूरी को छुपाने के लिए 3 इंगलियों वाला मसनूई बाजू पहना करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कैप्टन हुक के नाम से पुकारा जाने लगा। इस तमाम तो सिनेरियो ने उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा नफरत, और वो बहुत जो कह लें ना झगड़ालू किस्म के इंसान बन गए। और लेकिन लड़ाई झगड़े होते हुए वो बॉक्सिंग की जानिब रागिब हुए, और जनाब खाना बनाने का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक था। और 20 ईयर्स की एज में वो बरतानिया गए, और वहाँ उनकी मुलाकात एक बॉक्सिंग जिम के मालिक से हुई, और वाज़े महरूमी के बावजूद ये एक बेहतरीन खिलाड़ी और मेहनती खिलाड़ी साबित हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा एक कह लें पैशन भी था, जुनून भी था बॉक्सिंग के हवाले से। और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए ये एग्जैक्ट जो उनकी सूटेबल फील्ड है, उनको ये बॉक्सिंग को ही चुनना चाहिए। और इनके जो बॉक्सिंग कोच हैं, उन्होंने उनके दूसरे हाथ पे भी दस्ताना पहना दिया, फिर वो दोनों हाथों से मुकाबला करने लगे।
यानी कि उन्होंने बॉक्सिंग का एक बड़ा गैर रवायती सा तरीका मुतारिफ करवाया जिसे साउथ पैक का नाम दिया गया है, और इसमें कई रुकावटें भी हैं उनके इस बॉक्सिंग करियर को परसू करने में, क्योंकि बुनियादी माजूरी के बिना पर उन्हें कहीं रजिस्टर नहीं किया जा रहा था। मेडिकल बोर्ड और दीगर माहरीन ने भी उसको रिजेक्ट किया और ख़ुद को, लेकिन बार बार इसके बाद इनको बिल आखिर 2015 में बॉक्सिंग सर्टिफिकेट दिया गया और पहली बार उन्होंने बॉक्सिंग मुकाबले में हिस्सा लिया और वो ये मुकाबला अनफॉर्चुनेटली हार गए। लेकिन उसके 2.5 साल के बाद बीमार भी रहे और इस दौरान दोबारा से जिम ज्वाइन किया। 2018 में बॉक्सर जो कहले माइकोज रेडियो है उनको शिकस्त दी और अब वो मजीद इसकी तरबियत के लिए, बॉक्सिंग की तरबियत के लिए लॉस एंजलिस में मौजूद है, वहाँ इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। यानी कि दुनिया के वो वाहिद बॉक्सर हैं जो एक हाथ से बॉक्सिंग करते हैं, और डेफिनेटली इतनी ज़्यादा तकालीफ, और ये कहते हैं ना बचपन में जो उनके साथ हुआ या उन्होंने अपनी माजूरी को बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दिया और वो इस तरह से अब फाइट भी करती है, प्रोफेशनल फाइट्स का हिस्सा है, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी न्यूज़ है और एक अच्छी चीज़ है जो हमने आपके साथ शेयर की। अच्छा जनाब, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे तलबा के हवाले से कि उन्होंने क्या किया है। जनाब, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी मेले के दौरान कुछ तलबा ने केले की मदद से एक पियानो बनाया जनाब, और कुछ क्रिएटिविटी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने केलों की मदद से एक पियानो बनाया। द गो क्रिएटिव के नाम से जनाब ये फेस्टिवल है जो कजाकिस्तान में जारी है, और जहाँ पे कुछ तलबा ने फलों को मौसीकी में इस्तेमाल किया है, और एक वीडियो में ये दिखाया गया है कि चंद तलबा ने केलों को एक कतार में रख कर उन्हें मुख्तलिफ बरकी आलात से जोड़ा और फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद केलों पर हाथ से लगे ये पियानो की तरह बजने लगे, और वीडियो में एक शख्स जो है केला पियानो पर धुन बजाते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो जनाब ये क्रिएटिविटी का मुजाहरा करते हुए कुछ तलबा ने इस जो कहने द गो क्रिएटिव फेस्टिवल में एक पियानो बनाया, और इसको आप वायरिंग सब नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, ये तो हमने आपके साथ अच्छा इसकी ऑडियो भी सुनी। जनाब हमने आपके साथ रील्स तो शेयर कर लिया, मैं ज़रा कॉफ़ी भी साथ में हाथ में पकड़ लेती हूँ ताकि मुझे एनर्जी भी साथ साथ मिलती रहे। लेकिन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।